करते हैं। हेलो गाइस, सो ये जूडियो का पार्ट टू कलेक्शन है। मैंने सोचा कि वो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैंने आपके लिए पार्ट टू लेके आई हूँ। तो मैंने जूडियो में जो शर्ट्स देखे थे उसके बहुत ज़्यादा मतलब एक से एक कलर थे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ पैंट है जिसमें कि बेल्ट लगी हुई है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे और कंफर्टेबल लग रहे थे मुझे, दिखने में काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लग रहे थे। इसमें भी ब्लैक, मरून और ग्रीन तीन चार कलर ऑप्शंस थे। और आप ये देख सकते हैं ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं ये मुझे बहुत पसंद आया था, जो कि विंटर सीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ऊपर एक स्ट्रिप लगी हुई है एंड देन लॉन्ग मतलब गाउन टाइप का है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और आप देख सकते हैं वाइट के भी काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन थे, वाइट में शर्ट्स थे, टी शर्ट्स थे। ये शर्ट वाइट कलर का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और इसमें ऑरेंज शर्ट भी था और वाइट कलर था एंड ग्रे कलर था। एंड उसके बाद में आप देख सकते हैं कि मैंने सोचा चलो और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, तो मैं कपड़े वाले सेक्शन से हटने के बाद में मैं चली गई जूडियो में। मैं मतलब मुझे जो कलेक्शन था ना जूडियो का, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये देख लूँ, वो देख लूँ या ये देख लूँ, तो समझ में नहीं आ रहा था। और मैंने जैसे कि आपको पहले वीडियो में बताया था कि इसमें जो डेली वेयर के कपड़े हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। लोअर टी शर्ट आप देख सकते हैं, ये पूरा पेयर था काफ़ी अच्छा। इसमें ब्लू, पिंक एंड ऑरेंज काफ़ी ज़्यादा मतलब दो से तीन कलर्स थे। टी शर्ट भी काफ़ी अच्छी थी, जैसे मैंने आपको बताया था 200 में टी शर्ट का कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा था। उसमें भी कलर्स भी ज़्यादा अच्छे थे, ब्लैक, ब्लू, आपको जो कलर का चाहिए टी शर्ट मिल जाता है। 200 में क्या ही मिलता है आज की दुनिया में। और आप देख सकते हैं इसमें लोअर पैंट, वन पीस, गाउन काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन था। ये जो मैंने गाउन ब्लैक कलर सॉरी वन पीस ब्लैक कलर का देखा था वो मुझे पसंद आ गया था, बट मैंने सोचा वो वुलन का उसमें कपड़ा है और विंटर सीजन तो वैसे भी जाने वाला है, अभी क्या करिए। आप क्रॉप टॉप देख सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा स्काई ब्लू कलर का क्रॉप टॉप था। और मुझे लेना था जीन्स, तो मैं जीन्स के सेक्शन में गई तो जीन्स में भी काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे, बट मुझे उतना पसंद नहीं आया। फिर मैं बड़ी मेकअप की तरफ, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ मेकअप कर रही थी खुद का, तो मैंने देखा कि जूडियो में भी नया कलेक्शन मेकअप में आया है, आईलाइनर, जो कि काफ़ी अच्छे आईलाइनर है। मैंने उसको हाथ पे अपने अप्लाई करके भी देखा था। लिपस्टिक है, लिप ग्लॉस है, तो जो कि लिप ग्लॉस में भी काफ़ी अच्छे शेड्स आए थे, तो मैंने एक लिप ग्लॉस उसमें से लिया था। मैं वैसे उसका रील बना के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप देख सकते हो। नेल पेंट्स थे, लिपस्टिक के शेड्स थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा था। रेड लिप्स, आप रेड कलर का नेल पेंट तो हमेशा हर किसी को पसंद आता है, तो यहाँ का जो रेड कलर है वो एकदम डार्क रेड था, जो कि हाथों पे लगाने पे भी काफ़ी अच्छा लगेगा ऐसा मुझे लगता है। एंड आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेल पेंट में या लिपस्टिक में कौन सा कलर सबसे ज़्यादा पसंद है। कहीं भी जाना है तो रेड कलर की लिपस्टिक, रेड कलर का नेल पेंट लगा लो तो मेकअप कम्प्लीट हो जाता है।